किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज लॉकडाउन का 20वां दिन है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, लेकिन किसान भाई घर पर कैसे बैठ सकते हैं? उन्हें तो खेत में भी जाना होता है, काम भी करना होता है। आजकल फसल पकने का समय है, कई जगह तो कटाई चल रही है। बागवानी में जो बगीचों में काम हो रहा होगा, मेरे यहाँ भी हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि आप सब जो सामाजिक दूरी है उसका पालन कर रहे होंगे, अपने आप भी, अपने घर पर भी, और जो आपके कार्यकर्ता हैं में भी। किसान साथियों, अप्रैल का लगभग आधा माह बीत चुका है। जो मैंने नींबू की वीडियो डाली थी तो मेरे को फ़ोन कॉल आते थे कि जी हमें नर्सरी चाहिए, तो मैं उत्तर देता था कि आप अप्रैल के पहले सप्ताह में फोन करिए। किसान साथियों, ये सब लॉकडाउन के कारण हुआ है। मुझे पता चला है कि CCRI नागपुर और अकोला ने एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जो किसान भाई बीजू पौधे चाहते हैं नागपुर या अकोला से, जो हमने 3 वैरायटी बताई थी, उनमें से किसी भी वैरायटी के पौधे चाहते हैं, वो अपने पौधे बुक करा सकते हैं। किसान साथियों, आपको ये बुकिंग प्रोसेस जो है, जो आपको 25 अप्रैल तक पूरा करना है। जो लोग 25 अप्रैल के बाद बताएंगे, उनकी हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। अब ये बुकिंग प्रोसेस क्या है? किसान साथियों, जो हमने 3 वैरायटी बताई थी, उनमें से आपको किसी एक या एक से अधिक का चुनाव करना है, और प्रत्येक वैरायटी में कितने पौधे चाहिए आपको, इस बात का ध्यान रखना है, ये नोट करनी है बात। ये मात्रा, किस प्रजाति की कौन सी मात्रा में पौधे आपको चाहिए, ये आपको हमें बताना है। इसके लिए आप जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी और अमेजिंग किसान यानी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है। संपर्क करने का माध्यम रहेगा व्हाट्सएप। इस पर जब आप अपनी मात्रा बताएंगे तो उसका आधा मूल्य, जो पौधों का कुल मूल्य होगा, उसका आधा मूल्य आपको एडवांस में देना होगा। किसान साथियों, हम पौधे ज़्यादा नहीं लाना चाहते और वहाँ से ज़्यादा पौधे मिलेंगे भी नहीं। हम सिर्फ उतने ही पौधे लाना चाहते हैं जितने की किसान बुकिंग कराएंगे। तो आपको अब करना क्या है प्रोसेस, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो प्रजातियाँ आपको लेनी है उनके नाम लिखिए, कितनी संख्या में लेनी है वो संख्या लिख लीजिए, और उस संख्या को जब आपकी कुल संख्या होती है उसको मूल्य से गुना कर दीजिए। अगर आपको 100 पौधे चाहिए तो 100 पौधों को 80 से गुना कर दीजिए। हमने इसका मूल्य 80 रुपये रखा है, तो आपका कुल मूल्य हुआ 8000 रुपये। इसमें से आपको आधा मूल्य बुकिंग के लिए देना होगा। और क्या चीज़ें देनी होंगी बुकिंग के साथ में? आपको अपना नाम, पता, पूरा पता, और अपनी खतौनी की नकल, जिसके नाम जमीन है, वो बतानी होगी। किसान साथियों, ये हमें अकोला और नागपुर में सबमिट करने के लिए चाहिए। पौधे कब मिलेंगे मैं थोड़ा इसको भी बता देता हूँ। वहाँ से पौधे जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमको मिलेंगे। वहाँ से आने में कम से 3 से 4 दिन लेंगे, तो आपको लगभग जुलाई के दूसरे सप्ताह के अंत तक पौधे मिलेंगे। पौधे मिलने का जो स्थान है वो होगा जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी और या अमेजिंग किसान फार्म पर। जो किसान उस नर्सरी के पास पड़ते हैं, जय हिंद नर्सरी के आसपास है, वहाँ से पास पड़ता है, वो ये लिखें कि मैं पौधे वहाँ से लूँगा। आपको बुकिंग करते समय ये भी बताना है कि आप पौधे कहाँ से लेंगे। तो जो किसान जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी के आसपास रहते हैं वो वहाँ का लिखें, और जो अमेजिंग किसान फार्म सहारनपुर से लेना चाहते हैं वो वहाँ से लिखें। किसान साथियों, हमने एक और निश्चय किया है। जो किसान इन दोनों जगह से 100 किलोमीटर के दायरे में होंगे,
अगर कई किसान मिलकर 5,000 पौधे बुकिंग कराते हैं तो हम ये डिलीवरी उनके घर तक पहुंचवाने का प्रबंध करेंगे, अन्यथा डिलीवरी आपको इन्हीं दोनों जगह से लेनी होगी। किसान साथियों, मैं नर्सरी का काम नहीं करता, लेकिन मेरे को बहुत किसानों ने कहा कि सर हम तो आपसे लेंगे पौधे, तो मैंने ये व्यवस्था की है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि पौधों में आपके साथ कोई धोखा ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। विश्वास करिए और पौधे लगाइए। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी आप एक वैरायटी ना लगाएं, कम से कम दो प्रजातियों का चुनाव करें। जैसा मैंने लगाने के विषय में बताया था कि आप किस प्रकार संख्या का अनुमान लगाएंगे कि कितने पौधे चाहिए, तो आपको कम से कम 15x15 पर चुनाव कीजिए। लाइन से लाइन की दूरी 15 से कम मत रखिए और पौधे से पौधे की दूरी 14 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 12 से तो बिल्कुल कम मत करना। कोशिश करना 15x15 रहे, पौधे बहुत अच्छे होंगे। जो बीच में जगह बची है उस पर भी हमने एक कार्यक्रम सोचा है जो हम एक अगली वीडियो में बताएंगे कि उसमें जब तक आपके पौधे बड़े नहीं होंगे और पूरे फल नहीं देने लगेंगे तब तक आप उस जगह का किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं, ये हम एक अलग से वीडियो में बताएंगे। किसान साथियों, इसके बाद में एक वीडियो आएगी जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किसान भाई पौधे लगाने की तैयारी किस प्रकार करें। जो किसान हमसे बुक कराएंगे उन्हें हम व्हाट्सएप पर इसका एक PDF भेजेंगे। पूरी विधि डिटेल में लिखी हुई होगी कि कैसे गड्ढा बनाना है, कितनी खाद की मात्रा करनी है, कब पानी देना है, किस तरह से तैयारी करनी है, ये सब हम बताएंगे उसमें। उसके अलावा जो किसान भाई हमसे पौधे लेंगे हम उनको समय समय पर ये सूचित करेंगे कि अब अपने पौधे देखिए और उसमें यह कार्य करिए। किसान साथियों, जब भी कोई काम करते हैं उसमें आपको ईमानदारी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद नर्सरी के प्रोप्राइटर हैं अनिल कुमार यादव जी, बहुत अच्छे इंसान हैं और मैंने उनसे कहा है कि आप थोड़ा ईमानदारी से काम करिए, अपना मुनाफा लीजिए लेकिन किसानों के साथ धोखा ना हो। पहली बार है इसलिए मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और हो सकता है कि जब पौधे लेने जाएं तो मैं स्वयं वहां पर जाऊं। ये तो हुई पौधों की बात जो पौधे नागपुर और अकोला से। किसान साथियों, एक और वैरायटी का मुझे पता चला है, लॉकडाउन के कारण मैं नहीं जा सका। उस वैरायटी में ये तो पता नहीं है कि ये कौन सी वैरायटी है जो हमने 10 और 11 वैरायटी आपको दिखाई थी, लेकिन इसे वे लोग देसी कागजी नींबू कहते हैं। ये वैरायटी गुजरात में है, बहुत अच्छे पौधे हैं और पैदावार भरपूर आती है इसमें, 1 क्विंटल से लेकर 2 क्विंटल तक प्रति। लेकिन वहां पर समस्या एक है, नर्सरियां वहां बहुत हैं लेकिन कुछ मेरे किसान हैं, जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि त्यागी साहब मैंने 2 नर्सरी से पौधे लिए, एक नर्सरी के पौधे बहुत अच्छे हैं और दूसरी के इतने नहीं अच्छे हैं। तो किसान साथियों, हमने वहां पर 1-2 नर्सरी का चुनाव किया है, कोशिश करेंगे कि हम वहां पर जाकर एक बार देख लें और फिर पौधे लें। किसान साथियों, इन पौधों की कीमत आपको पड़ेगी 50 रुपये। तो जो किसान भाई कुछ पौधे, हो सकता है 10% या 20% या टोटल ये देसी कागजी नींबू भी लगाना चाहते हैं तो वो भी बुक करा सकते हैं। बुकिंग कराने का प्रोसीजर मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि आपको कितने पौधे चाहिए, किस प्रजाति के चाहिए, उस कुल संख्या आप जोड़ लीजिए, उस कुल संख्या को आपको जो उनका मूल्य है उससे गुना कर दीजिए और जितना मूल्य आता है आप उसका आधा आपको बुकिंग करानी है। तो किसान साथियों, देर न कीजिए, अगर आपको पौधे चाहिए तो आप जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी या अमेजिंग किसान से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। याद रखिए इसकी अंतिम तारीख है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल के बाद हम कोई आपको आश्वासन नहीं दे सकेंगे कि पौधे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।